हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं अर्पिता तुम लोग देख रहे हो मेरा चैनल अर्पिता लव वाटर कलर। पहली बार मैंने कोई अंडर वाटर पेंट किया है तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। आप लोग भी देखो और अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर करना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये वेट ऑन वेट टेक्निक है तो मैं पहले वाटर ब्रश कर लूँगी और फिर धीरे धीरे सब कलर को ऐड करूँगी। और यहाँ पर ज़्यादा कलर ऐड नहीं हुआ है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कलर ऐड हुआ है तो मैं सब कलर का नेम आप लोगों को बोल दूँगी। वर्मिलियन ह्यू, अल्टरमैन ब्लू, प्रशियन ब्लू, सैप ग्रीन, लेमन येलो और भी बहुत सारा कलर मैंने यूज़ किया है। ड्राइंग के साथ साथ मैं कलर मेंशन करती जाऊंगी, आप लोग अच्छे से सुनना। यहाँ पर ऑलिव ग्रीन यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ देखो परमानेंट ऑरेंज भी यूज़ किया है और उसके साथ लेमन येलो भी यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा येलो क्रोम भी यूज़ कर रही हूँ देखो, उसके साथ सैप ग्रीन, बहुत सारा कलर मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। और ये हम लोग का फर्स्ट टर्न हो रहा है, जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ नहीं तो वीडियो ख़त्म होते होते पूरा दिन लग जाएगा। अल्टरमेंट ब्लू और उसके साथ थोड़ा सा ब्राउन साइनम को मिला के ये कलर में ऐड कर रही हूँ देखो। पेपर बिल्कुल भीगा रखना है और यहाँ पर मैं दो नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है, ज़्यादा पतला भी ब्रश नहीं लेना है। और यहाँ पर लाइट ग्रीन अप्लाई कर रही हूँ और उसके साथ अल्टरमेंट ब्लू, मैजेंटा कलर, सब कुछ कलर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ देखो। रैंडमली मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टोन है। फर्स्ट टोन पे आप लोग कोई भी कलर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग को सेकेंड टोन भी करना पड़ेगा। देखो अब हम सेकेंड टोन में आ गए हैं। यहाँ पर वर्मिलियन ह्यू के साथ थोड़ा सा मैजेंट कलर मैंने ऐड करके यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। और ये ध्यान रखना कि कैसे मैं कलर को अप्लाई कर रही हूँ, मतलब ब्रश को मैं कैसे चला रही हूँ। कभी कभी लाइट फॉर्म में कर रही हूँ और कभी कभी डार्क फॉर्म में कर रही हूँ देखो। और बहुत सारा कलर मैं एक साथ अप्लाई कर रही हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट टोन में पानी ज़्यादा देना है और कलर कम, मतलब कलर का क्वांटिटी कम देना है। और सेकेंड टोन में पानी थोड़ा सा कम देना है और कलर का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा देना है ताकि वो थोड़ा सा डार्क दिखे। देखो इतना छोटा सा एरिया में कितना सारा कलर मैंने ऐड किया है। इसको कलर करने के समय तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना दिखने में। यहाँ पर मुझे कलर को हल्का ही रखना है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वाटर ब्रश करके कलर को मूव कर दिया। और यहाँ पर देखो यहाँ पर अल्ट्रामाइन ब्लू के साथ थोड़ा सा प्रशियन ब्लू को मिला के और उसके साथ थोड़ा सा लाइट ग्रीन को मिला के ये मैं कलर कर रही हूँ। और जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो एक्चुअल में ब्लैक नहीं है, वहाँ पर अल्ट्रामाइन ब्लू के साथ ब्राउन साइना को मिला के ये डार्क कलर बना है। कोई भी पेंटिंग में कभी भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है। और उसके साथ थोड़ा सा अल्ट्रामाइन ब्लू भी अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर एकदम से डार्क में नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हल्का भी रख रही हूँ। और उसके साथ लाइट ग्रीन और उसके साथ थोड़ा सा प्रशियन ब्लू को मिला के देखो कलर को मिक्सड कर दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के। देखो बीच बीच में ना जो फर्स्ट टोन वाला जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ छोड़ के करना है। और इसी की वजह से ये पेंटिंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लास्ट में जब देखोगे ना तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि जब हम लोग थर्ड टोन करेंगे एकदम से फाइनल टोन करेंगे तब ना और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखो धीरे धीरे करके ऐसे कलर को अप्लाई करना है ताकि देखो स्टोन भी अलग आ रहा है और स्टार फिश जो है वो भी सेपरेट हो जा रहा है और सब अलग अलग लुक में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर मैजेंटा यूज़ कर रही हूँ और मैजेंटा के साथ थोड़ा सा अल्टरमेंट ब्लू भी यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा सैप ग्रीन, थोड़ा सा प्रशियन ब्लू, सब कलर में मिला मिला के ही अप्लाई कर रही हूँ। और देखो जहाँ पर मुझे डार्क फॉर्म चाहिए वहाँ पर थोड़ा सा डार्क भी कर रही हूँ। अभी हम फाइनल टोन करेंगे, यहाँ पर प्रशियन ब्लू के साथ थोड़ा सा अल्टरमेंट ब्लू को मिला के यहाँ पर मैं कलर कर रही हूँ देखो। और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे और ये जो स्टोन है उसको
और भी सेपरेट करने के लिए यहाँ पर और ज़्यादा डार्क कलर पे कर रही हूँ। देखो यहाँ पर भी मैं ब्लैक कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर भी वही अल्ट्रामैन ब्लू के साथ ब्राउन साइनो को मिला के डार्क कलर बना है, तो वही मैं अप्लाई कर रही हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को और भी कलरिंग सा ऐसा पेंटिंग मिल जाएगा, तो वो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप लोग चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कि मैं कौन सा कलर यूज़ करती हूँ, तो जो मैं कलर यूज़ करती हूँ उसका अमेजोन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहे तो वहाँ से जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। अभी हम स्टारफिश को करेंगे, यहाँ पर वर्मिलियन यू को अप्लाई कर रही हूँ, उसके साथ परमानेंट ऑरेंज से इसको मिला देंगे। देखो मैं मिला दे रही हूँ। ड्राइंग मैंने बहुत रफली किया है क्योंकि मुझे पता है कि वो कलर से कवर हो जाएगा, तो वो जस्ट समझने के लिए मैंने हल्का सा ड्राइंग कर लिया था। यहाँ पर अभी हम फाइनल टोन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ऑलिव ग्रीन के साथ सैप ग्रीन को मिला के और थोड़ा सा ब्राउन साइना को मिला के कलर थोड़ा सा डार्क बना लिया है, वही अप्लाई कर रही हूँ। और जहाँ पर हल्का करके अप्लाई कर रही हूँ वहाँ पर थोड़ा सा पानी मिला के मैंने कलर को हल्का कर लिया है। देखो कहीं कहीं पर मैंने डार्क भी अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी मिला के हल्का भी कलर को कर रही हूँ। तो ऐसे ही करके ही यहाँ पर मैं कलर अप्लाई करूँगी। यहाँ पर वन नंबर का ब्रश यूज़ करूँगी। वीडियो में कभी कभी आप लोगों को शायद फॉश फॉश टाइप का कुछ आवाज़ सुनने को मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि मुझे तो ठंड लग गया ना, तो इसलिए ऐसा आवाज़ कभी कभी निकल के आ रहा है। आई थिंक उसको आप टॉलरेट कर पाएंगे। जो भी मैं कलर यूज़ कर रही हूँ उसके साथ ना थोड़ा सा ब्रांड साइना को मिला दोगे ना, तो वो कलर अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क फॉर्म में आ जाएगा। तो वो ही मैं कर रही हूँ सब कलर के साथ, थोड़ा थोड़ा करके मैं ब्रांड साइना को यूज़ कर रही हूँ और वो थोड़ा सा डार्क फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर भी प्रूशियन ब्लू के साथ थोड़ा सा अल्ट्रामैन ब्लू और ब्रांड साइना को मिला के ये डार्क कलर बना है और वही अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। देखो जो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसा ही अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग पेंटिंग लाता रहता हूँ। प्रूशियन ब्लू के साथ थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन ब्लू को मिला के ये कलर मैंने बनाया है और अभी स्टारफिश के अंदर वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा टाइम इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर बाकी का प्रोसेसिंग करेंगे। ब्रांड साइना अल्ट्रामैन ब्लू को मिला के ये डार्क कलर मैंने बनाया है और देखो मैं कैसे ब्रश को चला रही हूँ। यहाँ पर बहुत पतला सा मतलब वन नंबर का ब्रश लेना है और धीरे धीरे ऐसे ही उसको टच देना है। अभी ये पूरा ड्राई हो चुका है, अभी हम स्टारफिश को कम्प्लीट करेंगे और प्रूशियन ब्लू और अल्ट्रामैन ब्लू को मिला के थोड़ा सा डार्क मैंने कर लिया है कलर को, मतलब पानी कम दिया है तो ऐसा डार्क कलर बन गया है और उसको अभी अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क फॉर्म में ही अप्लाई करना है क्योंकि ये हम लोग का फाइनल टोन हो रहा है। जहाँ पर मुझे और डार्कनेस चाहिए होगा वहाँ पर मैं और थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। अंडरवाटर पेंटिंग मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बोलना कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, और आप लोगों को ऐसा अंडर वाटरिंग पेंटिंग चाहिए कि नहीं वो भी मुझे बताना, तो फ्यूचर में मैं वो भी लाने की कोशिश करूँगी। कहीं कहीं पर मुझे फिनिशिंग टच देना है। देखो यहाँ पर कलर को मैं हल्का करके अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। इसको करने के बाद देखो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। मेरे वीडियोस आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कलर का नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कलर को और मेंशन करती हूँ कि कलर को कैसे करना है, कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज़ में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरा दूसरा वीडियो, तो आप लोग को और भी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। डार्क कलर से थोड़ा सा फाइनल टच दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, देखो अप्लाई कर रही हूँ कलर को, और इसको करने के बाद भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया पेंटिंग बिल्कुल ना। देखो इसको करने के बाद ना जैसे पेंटिंग में जान ही आ गया है।
प्रूशियन ब्लू, अल्ट्रामैन ब्लू और ब्रांड साइना को मिला के देखो ये डार्क कलर बनाए और इसको धीरे धीरे करके मैं टच करूंगी। देखो कलर को मैं कैसे कर रही हूँ, यही हम लोग का फाइनल टच है। जहाँ पर ना कलर को मिला देना है वहाँ पर क्या करना है कि डार्क कलर के साथ थोड़ा सा लाइट कलर ऐड कर दो, मतलब उसके साथ मिक्स्ड कर दो, तो देखो वो ना अच्छे से मिक्स्ड अप हो जाएगा। अभी दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पर देखो वही डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ और उसके साथ अल्ट्रामैन ब्लू और पोर्शन ब्लू को मिला के देखो कैसे मिक्स्ड हो जा रहा है ना।